राम राम जी। हैप्पी फैमिली सरोज की कहानी में आपका स्वागत है जी। सुनिया करो, देखा करो, बता करो। एक राजा है, एक वजीर है। राजा इतना मतलब बढ़िया है और वजीर उससे भी बढ़िया है। राजा ना तो वजीर के बुझे बिना कुछ काम करता, ना बताए बिना करता। पहले पूछे करके भी बता भाई नू हो गया, भाई कुछ करना तो पहले भी पूछे उससे भाई नू करना है। राजपाटन कति बढ़िया चल रहा है, राजपाटन कति बढ़िया चल रहा है जी। और पर रानी अपने घर ओकाई है और रानी आन का नू कह वजीर बदल ले। के अठ वजीर क्यों बदल लू, कारण बता। अब कारण यू है, मेरा भाई इंजीनियर का कोर्स करकाया है, के का करो बी टेक हार्ट टेक सारे टेक करका है और मेरे भाई ने नौकरी लुआ। न्यू बोलिया मान जा, न्यू बोली कत्ती नहीं, मेरे भाई ने एम टेक बी टेक हार्ट टेक सारे कर दिए, तू सबूस ना लुआ। न्यू बोलिया को ना मानना, न्यू बोले ना जमाने मानू ना मानना तो बुला ले भी पूरी के कर सकू। तो उन्होंने अपना भाई नुआ कह कह रही थी, भाई तू कल ना एक दो दिन में जी तेरा काम मैं जरूर करवाऊंगी, तर पूरा हो जाएगा। इबू नान का देखा मोटा पैसा है, हरियाणा से मैं बहुत कुछ बोलिया, मत चीजा जी दिन दुगनी रात चुगनी ला दूंगा, मन तो पैसे का नहीं मिल रहा था जुगाड़े। अरे तू देखिए मैं तो इसे इसे मेरे था माइंड में इसे इसे प्लान है, इसी इसे मैं तो सोच बोझ कर रहा हूँ, मैं तो एक पीछे के चेयर बनाने सीख कर रहा हूँ, बना दूंगा। बोले भाई तू तो अपना गुजारा कर ले, रहने अपने वजीर तो बोले भाई तू दस दिन खातर जा, तेरा खर्चा पानी पहुँच जाएगा, कोई बात नहीं भाव जी, चाहे महीना रख चाहे दो रख चाहे कत्ती रख, मैंने कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल रख। बोला रनु तो मन बेरा तो ना टेंशन, कोई टेंशन तो मन है नो कंधे की साथ जी, वो तो चला जाने। बोला भाई तू सारे महल मगर घूम ले, काम समझ ले, कल ने ना कही मैंने काम का नहीं बेरा था, सामने मैंने बता दी तेरा काम समझ माँ का नहीं आया और नहीं फिर मैं वजीर की छुट्टी करना। रन बोला ना मैंने समझ लिया, मन तंदे समझ गया था, मैं तो भीतर बढ़ते समझ गया था, कोई तो बूट गया नहीं। बोला वजीर खां भाई तुमने देख लो बिस्तर भी काम खां जी देख लो। इतनी बात हों कि साथ जी उस तक पूछा भाई तेरा गया काम समझ, मैं खा गया चल भाई तेरे की काम पर शुरू जी ठीक है, जो जी हो गया काम पर शुरू। राजा बैठे अपनी गद्दी पर, इतने में जी गुड़ाड़े ने मारा रुका जी गुड़ ले लो। राजा बोले रे पूछ का ये के रेट है, तो जी होगा भागा भागा बोला भाई गुड़ के रेट है, अगर गुड़ जी 2 रुपये किलो है, 10 की दड़ी है। बोला जी 2 रुपये किलो 10 की दड़ी। बोला नहीं बता कितना गुड़ ले रहे थे, अगर मुझे नहीं पूछ का अगर पूछ का अगर कितना गुड़ ले रहे हो 10 कट्टे आ गया जी 10 कट्टे कट्टा का दड़ी का है, अगर जी मैं तनी पूछ का भी बाजा का जब पूछता कट्टा का दड़ी का जी 8 दड़ी का फिर आया अगर बोला शक्कर कितनी ले रहा है जी, मैं तो नहीं पूछता पूछ का अब शक्कर कितनी है, अगर भाई शक्कर 4 कट्टे हैं, अब जी शक्कर 4 कट्टे शक्कर 1 रुपये किलो दे जी, मैं तो नहीं पूछता शक्कर 2 रुपये किलो दे है। जड़ा उसने जी फिर कह दिया भाई कितने जने हैं, फिर कह दिया कह रेडी हैं, फिर कह दिया कह आदमी उसके चक्कर इतने कटा दिए, रोनू बैठ गया आज पंडा छूट गया तो सुख तो सो बूढ़े कसाई का कसा। बोली तन तो मेरे भाई की गति रेल बना दी और उस वजीर ने तो तू कुछ नहीं कहा था, ने बोला मैं उसका कुछ नहीं कूठा खा का छन तो तू बैठ गई। उन्हें पता करा भाई वजीर ने राजा बुला रहा है 10 मिनट खातर राजा का, तो आया हाँ जी बोलो बाबू जी क्या काम था, अक बोला भाई बैठ जा इतना बैठे उन्हें फिर तू सोची भी पूछन लग रहे हैं तो मैं सारा गुरु यही खरीदेंगे, तो बोला उन्हें फिर रुका मारा जी ले लो गुड़ यूपी का गुड़ बिकना रहा, तो उन्हें बोले कि बोला बोला वजीर खा पूछ कही भाई को गया भाई गुड़ ले के रेट का है 2 रुपये किलो है, कितना है जितना है कै जने हो इतने हो कित रुको हो उड़ा रुपये हैं भाई शक्कर कितनी है भाई घोड़े कितने हैं भाई आदमी कितने सारा चट्ठा पट्ठा पट कर खान कर। बोला बाबू जी खां अक गुड़ इस रेट है शक्कर इस रेट है शक्कर इतनी है गुड़ इतना है 3 डाल का गुड़ ले रहा है, मैस्या का भी है खान का भी है काजू बदाम वाला भी है और बाबू जी 10 रेहड़ी हैं 10 रेहड़ियाँ भी इतने कट्टे गुड़ के हैं इतने शक्कर के हैं इतने आदमी इतने घोड़े सब मिनटा के साथ तबक दिया। उन्होंने बोला मैं नहीं बोल बोलता आपने वो जीत तो गहनी देनी है मुझे भी इतनी बात सुन बोले तने पढ़ा रखा है जाता कोई बात नहीं, बोली 17 वजीर है ना तो मेरा एक काम कर दो बोल के करवाओगी, मैंने बुलबुल का बच्चा ला कर दे दो
बोला वजीर खाक फंस गया। अखना बाबू जी मैं ले दूंगा, अख ले देगा खाक। फिर बोला अब दस्तन का टाइम दे दो। अब टाइम 15 दिन का दस्तन की जगह पर भाई रानी ने बुलबुल का बच्चा ले आगे दे रही ना, बुलबुल का बच्चा जी है तो न्यू अंधे अंधे जी। उसने तो जाकर न कर दिया अपना काम शुरू। एक कमरे में तो थोड़ा हा खड़ा हक धुआ दिया, एक कमरे में माड़ा हा हिसाब किताब सहीसा कर दिया, कोट सी कर दी। तो कमरे में जो सेम खड़ा खदुआ उसमें तो गुड़न पानी गिर दिया। अर्जुन सेम वो उन्हें भाई चार आदमी तो कह दिया भाई रोज के 10 रुपये दूंगा, क्या है के भी पर मिलो, चिड़िया के मिलो, कबूतर के मिलो, तोते के मिलो, मोर के मिलो, क्या है के भी पर मिलो, मन पर लिया कर दो, जून जितने पर लिया होगा उसके पीछे बढ़ जाए। तो चार आदमी रोज लिया पर गिर दें वो गिरवा दे अपना खुले में गिर दो। तो दस्तन में बोला बोला राजा खां तेरे साड़े का नौंदा है, इसने बेचारे ने कोई नहीं बुलंदा इतने दिन मेरे तक किसी ने रोटी भी नहीं खवाई ना मैं किसी ने चाय पानी भी पिलाया। किसने भेज दे भाई पूछ ले जाता तो मन तो पता नहीं। रानी ने पूछ लिया बोला जी महारानी मैं तेरे भाई का नौंदा देना आता हूँ भाई बेचारा कित। हाँ हाँ वो जीत नहीं आता तो बढ़िया सोची। बोला बोला भाई तेना मैं दावत पर बुलाना हूँ, चल रोटियाँ पर चल बढ़िया मैं आ जाएगा जी बोल बढ़िया भयो वो जीत तरह बढ़िया है मैं दावत पर बुला हूँ। करा चाहता इसका वजीर का छोरी भी बहुत सुनती है डेट देखे ये गया हुआ जब किसी मजा तो क्या करा गई तब देखा रखा क्या बात सी इस बार ना छोरी भी देखा होगा। तो जी वो आया सांझ ने अकबला वजीर साहब राम राम खा गया भाई आजा आजा इस तरह तू है वजीर राम कड़े थे वजीर राम थे तेरे नौकर है भाई नून तेनू नंड नाले रखना ना इसी कोई बात नहीं मैं जाऊँगा तो तने छोड़ कर जाऊँगा मेरी किता बढ़िया और भी बढ़िया काम बन जाएगा मेरा तो अब चल कोई बात नहीं बोले आजा तू तन बैठ। तो जी वो उस राले वाले कमरे में पड़ गया रो धूप पड़े उस खड़े में सारा राले में दस गया जी सा राले में दसया तो नहीं बोला वजीर कड़ा फंसा दिया तू कड़ा जा मरिया यू तो राला इकट्ठा कर रखा हमने अह तेरा भला जा रहा है क्यों कर दस गया तू इसमें लिकड़ पा रहे मन तेनू कि आ जा तू रेन बैठेंगे वो जाकर जी मैं उनते और उन्हें दिखा देखा उन्होंने मुँह राला सारा राला लग रहा था दिखा देखा ऐसा वो बाज कर उन्हें पखा लिया वो पराले में बढ़ गया वो सारे को पुर लपट गए एटी चोटी तो पर्रा पर लपटकर रो पड़ा दिखा बेचारा उन्हें तो मुश्किल हो गया सांस लेना भी तू पर लाग रहे नुकर वजीर तने किसा फसाया बोलना मन्या रुका मार दूंगा राजा का साड़ा है इन्हें बोला जमा मेरी बेइज्जती ना करिए और तो बात हो ली पर यह नहीं कह दिया बोला नुकर भी फिर बोल वाला आख पा के ताड़ ले वो तो कर दिया जी जू कर जी रीछ ना करते हैं और उसका बांधी अच्छी गलमा कंठी और पाया मैंने बाजड़ी पजेब और गले मैंने घंटियाला जोड़ा और ने बोला राजा के घर से चुसकना चाहिए जड़ा तू चुसकर मैंने रुका मारा राजा का साड़ा नहीं देखा ने बोला बेइज्जती नहीं कर दी है वजीर मैं सीधा कर चुस्कू को ना सही चलूँगा ने बोला चल भी नहीं वो तो जाओ जी ठुमक ठुमक कर ठुमक ठुमक कर और जी बोले मैं मेरा बेच दिया वजीर ने बुलबुल का बच्चा मिल गया और वजीर लेकर आने लग रहा है। रानी भी पड़ी बैठ के भी बुलबुल का बच्चा है रानी का कड़ा याद रहा था भाई कड़ा घूम रहे आज और रोटी खा का आया कना वजीर कहते हैं और कड़ा उसका जो याद रहा राजा बोला बोला लह खा गया तेरा बुलबुल का बच्चा लेकर आने लग रहा देख तो जी फैन बढ़िया काम करे दिया उन्होंने तो रानी तो बेनाम दूंगी वजीर ने जब बुलबुल का बच्चा मेरी समझ में आएगा तो वो तो जी आवन ठुमक 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 और आओ तो जी वो देख सात रानी खड़ी होगी बोली वजीर क्या बुलबुल का बच्चा है बड़ा सुथरा मजा आया नहीं बोली वो बड़ी साई चांद थी बोला देख जी रानी इस टाइम तो है यू बुलबुल का बच्चा समझ में आ गया वो तो पकड़े और नहीं ईब तो मैं और ले दूंगा फिर मैं जमा नहीं लूंगा ईब 10 मिनट तक यू बुलबुल का बच्चा खड़ा है इसने खूब देख ले 10 मिनट पाचे तेनू कह दी ना बुलबुल का बच्चा यू नहीं मनोर चाहिए बोला फिर मेरे पर लग बोली ना 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 इस तो बढ़िया बुलबुल का बच्चा मिले नहीं सकता बोला ले पकड़ जोड़ा ले जा ये ठुमक 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 है और साला जावा गेल और बेबे की गेल जाओ भाई ठुमक ठुमक था जाकर बोले छोरी मैं हूँ रड़ का उठा दुड़ा का ढेर तू तू क्या बोला मैं हूँ उस तरह वजीर ने फंसा लिया ने बोली रे सत्यानाथ जी ऐर का वो वजीर है जीत गया बोला मैं निरा करता रे मैं तो फटकू भी नहीं छोरी तू मैंने फटाफट ना तोड़ दे मैं तो यू चला इन्हें बोली भाई दिन लिखने पता तड़की जाइए रोटी ये तरह इन्हें बोली अपने वजीर ने बुला ले मेरे भाई के बस का तेरा काम कौन है बोला मैंने पहले कही थी ना तेरी कौन ही समझ माई मैंने कही थी रही इस वजीर बन का वजीर कौन नहीं बोला
तो जी अथी राजा के रोज की बात और के का करो सना बुलबुल का बच्चा देखता ना बुलबुल का बच्चा राम राम जी।